जहां स्मृति ईरानी राहुल गांधी के बारे में झूठ बोलती हैं और उसके पैरेलल एक एजेंडा चलता रहता है कि गांधी परिवार या इंदिरा गांधी ने 5000 साधुओं की हत्या की, ऐसी फेक न्यूज व्हाट्सएप पर चलती है, क्या गौवध निषेध? मैं मोदी सरकार से सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या गौवध निषेध साउथ ईस्ट में बंद हो गया? आप ही के मंत्री बयान देते हैं साउथ ईस्ट में गाय का मांस खाने से परहेज नहीं करते, किसी मांस को खाने से परहेज नहीं करते साउथ ईस्ट में, मणिपुर में नहीं करते। ये बातें हिंदू स्टेट में सांप्रदायिकता भड़काने की नहीं, तो जो है थोड़ा सा चॉकलेट है, लेकिन ये मिर्च भरा चॉकलेट का जहर जो संबित पात्रा फैला रहा है, इसको देखिए। यही संघ की रणनीति होती है कि किस तरह से छोटा झूठ बोल करके बड़ा झूठ, मतलब बताया गया है कि किसी भी तरह भारत जोड़ो यात्रा को झंड करना है, भारत तोड़ो यात्रा बताना है। और राहुल गांधी से इतनी डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी डरी हुई है स्मृति ईरानी कि उसने कुछ भी कैसे भी बोल दिया। लेकिन असलियत क्या है? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद नवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जी हाँ दोस्तों, आज सारे यूट्यूब ब्लॉगर्स जो थे स्मृति ईरानी के पीछे एकदम अपने पंजे गाड़ करके पीछे पड़ गए, क्योंकि स्मृति ईरानी का बयान ही ऐसा था जो झूठ की मतलब इबारत पर टिका हुआ था। ये बयान था राहुल गांधी के बारे में जो स्मृति ईरानी ने बोला ना, स्मृति ईरानी ने बोला कि भाई वहां पे जो था राहुल गांधी गए, वहां से यात्रा शुरू की, निर्लज्जता नहीं आई इनको कि विवेकानंद के सामने नहीं आए। एकदम से ताजा फ्रेश वीडियो आ गया आईएनसी का, और उन्होंने स्मृति ईरानी की चड्डी उतारूं क्या शब्द बोलूं, उनकी पोल खोल दी, हाँ यही बोलूंगा। और यूट्यूब ब्लॉगर चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे साक्षी हो या सब हो, सब लोग इनके बारे में अपने वीडियो डाल चुके थे। लेकिन ऐसा क्या था जो इस कन्वर्जेशन के पीछे छुपा हुआ था? ये सब जानते हैं कि मतलब स्मृति ईरानी ने वीडियो क्या डाला था, पहले वो वीडियो देख लीजिए जो कंट्रोवर्शियल वीडियो था, जिसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी समेत सारे झूठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पोल खुल रही है। उसके बाद शुरू करेंगे अपना वो असली खबर, जो असली खबर ये यूट्यूब ब्लॉगर दिखाना भूल गए। देख लीजिए स्मृति ईरानी का बयान। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की, अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार। स्मृति ईरानी का बयान तो आपने देख लिया होगा, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए फैलाता हुआ नफरत का बयान क्या आप सुनेंगे? क्या गोदी मीडिया अंजना कश्यप आज सवाल कर रही थी एक डिबेट में अपनी कि कौन भारत तोड़ो आंदोलन कर रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कई केंद्रीय मंत्रियों को, 15 कैबिनेट मिनिस्टर और 3 मुख्यमंत्रियों को मतलब बताया गया है कि किसी भी तरह भारत जोड़ो यात्रा को झंड करना है, भारत तोड़ो यात्रा बताना है। और राहुल गांधी से इतनी डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी डरी हुई है स्मृति ईरानी कि उसने कुछ भी कैसे भी बोल दिया। लेकिन असलियत क्या है? लग्जरी के बारे में बोला गया, लग्जरी के बारे में वीडियो आ गए, अजीत अंजुम ने खोल दिए, बहुत सारे लोगों ने खोल दिए, और ये सारी चीजें चलती रहीं। लेकिन इनके पीछे जो एजेंडा दिखता है कि राहुल गांधी को बड़ा मतलब दिखाया जा रहा है, उनके बारे में सारी बात की जा रही है, लेकिन असली एजेंडा जो था समित पात्रा का क्या था? और समित पात्रा बेनकाब हो जाते हैं उस एजेंडे पर। समित पात्रा अपने ट्विटर पर ट्वीट डालते हैं एक ऐसा जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करता है। जी हां, समित पात्रा अपने ट्विटर पर लिखते हैं कि
बता ही देता हूं, समीर पात्रा जो है एक तस्वीर पोस्ट करते हैं जिसमें वो दावा करते हैं कि 5000 साधुओं की हत्या की गई थी इंदिरा गांधी के शासनकाल में। इंदिरा गांधी के शासनकाल में 5000 साधुओं की हत्या की गई थी, ये बताया जाता है समित पात्रा के द्वारा एक की गई पोस्ट में। ये पोस्ट यहां पर डाली जा रही है, इस पोस्ट को देखिएगा। स्मृति ईरानी तो जो है थोड़ा सा चॉकलेट है, लेकिन ये मिर्च भरा चॉकलेट का जहर जो समित पात्रा फैला रहा है इसको देखिए। यही संघ की रणनीति होती है कि किस तरह से छोटा झूठ बोल करके बड़ा झूठ छुपाया जाता है, जिस पर ना अजीत अंजुम की नज़र जाती है, ना किसी की नज़र जाती है, ना कोई इस पर बात करने के लिए तैयार होता है। सबको बहुत जल्दी में भाई खबर आ गई तो स्मृति ईरानी को पेल दो, कोई फैक्ट्स नहीं कुछ नहीं। अरे वो झूठ बोल रही थी, झूठ बोल रही है, उस पर वीडियो बना दिया, लाखों लोगों ने लाइक कर लिया। लेकिन समित पात्रा की ये खबर जो व्हाट्सएप पर घूम रही है, जो नफरत फैला रही है, क्या इसके बारे में अजीत अंजुम या यूट्यूब के अभिसार शर्मा, साक्षी सब बात करेंगे क्या? ध्रुव राठी बात करेंगे क्या? या आम आदमी पार्टी के नेता बात करेंगे क्या कि जो झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ क्या फैलाया गया है? वो अपनी एक पोस्ट डालते हैं समीर पात्रा और लिखते हैं, कांग्रेस का चरित्र, भारत तोड़ो, साधुओं पर गोलाबारी बरसाई 1966 में, गौवध निषेध को लेकर संसद पर प्रदर्शन कर रहे साधु संतों पर गोलियां चलवाई, इंदिरा सरकार की इस बर्बरता में कई साधुओं की मौत हुई, बहुत से बुरी तरह से घायल, 5000 तक का दावा किया जा रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा और संघ के लोगों के द्वारा। यह है भारत तोड़ो अभियान जो नफरत फैलाता है। लेकिन इसका जब हम फैक्ट चेक करते हैं और फैक्ट चेक करने के बाद जब कहानियां निकल करके आती हैं वो चौंका देती हैं। क्या वाकई में इंदिरा गांधी जी ने आदेश दिया था अपनी पुलिस को कि इन सारे लोगों को मार दो, फायरिंग करके मार दो जो गौवध निषेध के लिए आए? क्या गौवध निषेध, मैं मोदी सरकार से सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या गौवध निषेध साउथ ईस्ट में बंद हो गया? आप ही के मंत्री बयान देते हैं साउथ ईस्ट में गाय का मांस खाने से परहेज नहीं करते, किसी मांस को खाने से परहेज नहीं करते साउथ ईस्ट में, मणिपुर में नहीं करते। ये बातें हिंदू स्टेट में सांप्रदायिकता भड़काने के लिए अच्छी लगती हैं। कहां हैं वो रूलिंग्स यूट्यूब की और कहां हैं वो रूलिंग्स व्हाट्सएप की, कहां है वो रूलिंग्स फेसबुक की जो इस तरह की नफरत फैलाने वाली बातों पर समित पात्रा पर कोई एक्शन नहीं लेती? लेकिन इस एक्शन का फैक्ट क्या था, राहुल गांधी की पोस्ट का फैक्ट क्या था, सॉरी समित पात्रा की पोस्ट का फैक्ट क्या था, आज उसी का खुलासा हम करेंगे आपके सामने। इंदिरा गांधी के हिंदू नरसंहार 1966 का सच, फैक्ट न्यूज, बीबीसी न्यूज ने बोला है और ये 2018 में छपा था। शुक्रवार को राजस्थान के ट्विटर पर जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं उनके साथ जोड़कर भी इस तस्वीर को शेयर किया गया है। 7 नवंबर 1966 के दिन इंदिरा गांधी ने गौवध निषेध हेतु संसद भवन का घेराव करने वाले 5000 साधु संतों का गोलियों से भुनवा दिया था। आजाद भारत में इतना बड़ा नृशंस हत्याकांड पहले कभी नहीं हुआ। फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम को खुश रखने के लिए 7 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी ने गौवंश निषेध हेतु संसद भवन का घेराव कर रहे 5000 हिंदू साधु संतों को गोलियों से भुनवा डाला था तथा हजारों संतों को गोली चलवा करके घायल कर दिया था? इतनी बड़ी नृशंस हत्या आजाद भारत में पहले कभी नहीं हुई थी। लोगों को इतिहास में जलियांवाला बाग की कहानी तो पढ़ाई जाती है, लेकिन संसद भवन के समक्ष मारे गए इन हजारों संतों की कहानी नहीं बताई जाती। संतों के फोटो हैं, संतों ने लगाई जान की बाजी, ये सारी चीज़ें हैं इस पोस्ट में। कुछ लोगों ने इस घटना की तुलना 1984 के सिख विरोधी दंगों से भी की है। मतलब कांग्रेस को जो है बुरी तरह से धो दो, पो दो, अदानी अंबानी का कर चुकाना है तो कुछ भी अगड़ा सगड़ा मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए फैला दो। लेकिन सच्चाई क्या थी, इसमें विकिपीडिया के पेज से छेड़छाड़ की जाती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। 375 का 5000 बनता है जबकि
केवल 7 लोग मारे गए थे। अब फिर इसमें घी तेल डालने का काम करते हैं घनश्याम तिवाड़ी, वो भी लिख देते हैं, मैं भी वहां पे था, मेरी आंख कानी हो गई। घनश्याम तिवारी भाजपा नेता हैं, रहे हैं, पूर्व भाजपा नेता, आजकल इन्होंने पार्टी बनानी है। अफवाहों का संसार फैलाने वाले इन गद्दारों को देखिए, देश में हिंसा को फैलाने वाले इन गद्दारों को देखिए, क्या मोदी सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन? साल 1966 की बता करके 3-4 तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। 1966 की तस्वीरें बता करके 1966 को दिल्ली में हंगामे की पड़ताल के बारे में बात की जा रही हैं, कुछ साधुओं को और कुछ ये बात की जा रही हैं, लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि वरिष्ठ पत्रकार और राजनैतिक विश्लेषक रशीद किदवी ने अपनी किताब बैलेट 10 एपिसोड्स That have shaped Indian democracy में 1966 की उस घटना का वर्णन किया है। 7 नवंबर की घटना के कुछ बारीक डिटेल रशीद किदवई ने बीबीसी के साथ शेयर किए हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया, हरियाणा के करनाल जिले से जनसंघ के सांसद स्वामी रामेश्वरानंद उस कथित आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। संघी, गुंडे संघी जिन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, गुंडे तो गुंडे होते हैं, उनकी मांग थी कि एक देश में कानून बने जिसके अनुसार गौ हत्या को अपराध माना जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मांग का समर्थन कर रहा था। इस मांग को लेकर हजारों साधु संत अपनी गायों के साथ दिल्ली चले आए। भावनाएं भड़का दी गईं और आधिकारिक जानकारी यह है कि उन्होंने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया, मंत्रालय की इमारतों के बाहर तोड़फोड़ की, साथ में संसद में घुसने की कोशिश की। भारतीय इतिहास में संसद पर यह पहला हमला था जब सुरक्षा कर्मियों को संसद के बचाव में गोलाबारी करनी पड़ी। 7 नवंबर के दिन 7 लोगों की मौत हुई। कुछ लोगों ने अपनी रिपोर्ट में मरने वालों की संख्या 8-9 दिखाई, लेकिन संख्या निश्चित तौर पर 10 के पार नहीं थी। यह है संबित जी खबर। और एक खबर और बता देता हूं कि इसके बाद देश की संसद पर जब हमला हुआ था तो जबकि गृह मंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, जिनको जो था इस्तीफा देना पड़ा था। पुलिस गोलाबारी के बाद रशीद किदवई बताते हैं, दिल्ली पुलिस बहुत सारे उपद्रवियों को डीटीसी की बसों में भरकर अरावली के जंगलों महरौली गुड़गांव के पास में छोड़ करके आई थी, लेकिन किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ पुलिस केस दर्ज नहीं किया गया था। इस घटना के बाद भारत के तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को इस्तीफा सौंपना पड़ा। कहा गया कि इंदिरा गांधी ने उनसे स्थिति काबू में करने के लिए पहले से तैयार रहने के लिए कहा गया था, लेकिन वो देश के गृह मंत्री होने के साथ साथ भारत साधु समाज के अध्यक्ष भी थे। उन्हें विश्वास था कि वो बातचीत से पूरा मैटर हैंडल कर लेंगे, लेकिन वो हैंडल नहीं कर पाए, इसीलिए गुलजारी लाल नंदा को इस्तीफा देना पड़ा। लिंक बीबीसी का मैं डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। अब आप फर्क कीजिए इस चीज को। जहां स्मृति ईरानी राहुल गांधी के बारे में झूठ बोलती हैं और उसके पैरेलल एक एजेंडा चलता रहता है कि गांधी परिवार या इंदिरा गांधी ने 5,000 साधुओं की हत्या की, ऐसी फेक न्यूज व्हाट्सएप पर चलती है, तब क्या मायने माने जाएंगे? क्या इसको गोदी मीडिया के द्वारा फ्रंट लाइन पर लाकर के बोलना नहीं चाहिए था? इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार का गरीबान पकड़ करके सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए थे? दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।